नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, मोकामा और गोपालगंज में वोटिंग खत्म हो चुकी है, अब जीत के दावे किए जा रहे हैं। चाहे वो आरजेडी की तरफ से हो या फिर बीजेपी की तरफ से, मोकामा और गोपालगंज में मतदान की प्रक्रिया खत्म हो जाने के बाद से ही लगातार दावे किए जा रहे हैं। आरजेडी का तो ये तक कहना है कि बीजेपी के जितने भी समर्थक थे उनके चेहरे पर हताशा और निराशा देखने को मिली, तो बीजेपी का वही दावा है कि इस बार आरजेडी के हाथ में कुछ भी नहीं लगने वाला है। दरअसल राजद ने मोकामा और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में जीत का दावा किया है। पार्टी के नेता चितरंजन गगन हो या फिर और भी नेता हो, इन सभी ने कहा है कि मतदाताओं में महागठबंधन उम्मीदवार के समर्थन में जबरदस्त उत्साह का माहौल था, जबकि भाजपा समर्थकों में मायूसी छाई हुई थी। मतदान में सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि महागठबंधन उम्मीदवार को सभी वर्गों और समुदायों का समर्थन मिला। भाजपा को अपने हार का एहसास हो गया था। इसके साथ ही जो राजद के एक और नेता हैं एजाज अहमद ने भी दावा किया है जीत का, गोपालगंज और मोकामा दोनों ही सीटों पर। देखिए, अब कुछ अगर जानकारी हम आपको दें तो मोकामा उपचुनाव जब संपन्न हुआ तो मोकामा के वोटरों ने इस बार भी दिल खोल कर वोट दिया है। 2010 का 76.70% वोट का रिकॉर्ड भी इस बार बरकरार रहा है। इस बार यानी कि 2022 में मोकामा में 54.01% वोटिंग हुई है, यानी कि 2020 के मुकाबले कुछ ज्यादा वोटिंग पड़ी है, वोट पड़े हैं, ज्यादा बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ ज्यादा वोट। अब नतीजों का पलड़ा किसके पक्ष में जाता है यह भी देखने वाली बात होगी। देखिए, गोपालगंज में जहां राजद के प्रत्याशी मोहन गुप्ता हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को उतारा गया है। मोकामा की बात कर लेते हैं तो आप सभी जानते हैं चर्चित सीट है और वहां पर अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी राजद की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, जबकि बीजेपी ने यहां पर दूसरे बाहुबली नेता ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को टिकट थमाया है और लड़ाई जो है वो कांटे की बताई जा रही है। हालांकि जीत किसकी होगी ये तो 6 तारीख को पता चलेगा। अभी से दावा करना बिल्कुल गलत होगा और ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि किसके पाले में गेंद जा रही है, कहां पर कौन जीत रहा है। एक एक का नतीजा आएगा या फिर 2-0 का नतीजा आएगा ये भी कहना फिलहाल मुश्किल होगा, क्योंकि नतीजे सब कुछ 6 तारीख को ही आ जाने वाले हैं। लेकिन फिलहाल दावा दोनों ही तरफ से किया जा रहा है। बीजेपी के तमाम नेताओं को आपने कल लाइव सीरीज पर सुना होगा, सभी ये कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, तो राजद की तरफ से कहा जा रहा है कि हम जीत रहे हैं। ऐसे में अब जीत किसकी होगी ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल मोकामा में और गोपालगंज में उपचुनाव जो है वो उपचुनाव को लेकर वोटिंग की प्रक्रिया जरूर खत्म हुई है, लेकिन इधर 2020 के चुनाव में आरजेडी से अनंत सिंह ने 78,721 वोट लेकर जीत हासिल की थी, जबकि जेडीयू से राजीव लोचन को 42,964 वोट आए थे और वो दूसरे नंबर पर रहे थे। इस तरह से अनंत सिंह ने राजीव लोचन सिंह को 35,757 वोटों से हराया था और खुद का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया था। अब अनंत सिंह तो नहीं है, फिलहाल वो जेल में हैं और उनकी पत्नी मोकामा से चुनाव लड़ रही हैं नीलम देवी। आपने देखा भी होगा कल तस्वीरों में किस प्रकार नीलम देवी के समर्थक जोश में थे और वोट करने आए लोगों को भी आपसे चुनूंगा। सबसे बड़ी बात कि वहां के लोग कई सारी बातें कह रहे थे, जो मतदाता थे उनके मन में बहुत सारी चीजें चल रही थी, जो आपने लाइव सिटीज पर सुना भी। अब देखिए, जीत का दावा जो है राजद की तरफ से किया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि मोकामा और गोपालगंज दोनों सीटों पर हम जीत रहे हैं। हालांकि अब नतीजा क्या है ये इंतजार करने की बात है, लेकिन फिलहाल जो है मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया खत्म हो गई है। नतीजे किसके पाले में जाते हैं ये वक्त बताएगा। वोटरों ने किसकी किस्मत में फैसला सुनाया है ये भी 6 तारीख को पता चलेगा। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।